नमस्कार दोस्तों, कांतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पान का शरबत बनाना बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोज आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, पान का शरबत बनाने के लिए मैंने ये पान के पत्ते लिए, 5 से 7 बहुत होते हैं, और 250 ग्राम मैंने शुगर ली है, और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, और 20 करीबन इलायची ली है, और आधा बाउल यानी कि 3 टेबल स्पून मैंने गुलकंद लिया है। दोस्तों, ये पान के जितनी भी डंडियां हैं ये हम हटा देंगे इनको, और फिर इनको छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में पीसेंगे। सौंफ, इलायची, पान, गुलकंद, इनको सबको एक साथ में ही हम लोग पीस। देखिए दोस्तों, मैं पान के पत्तों को इस तरह काट के मिक्सी में पीसूंगी। ये पान का पत्तों का वजन भी करीब करीब 30 ग्राम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सौंफ और इलायची को मिक्सी में डाल के पीस दूंगी। इसका पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है पानी से, और ये गुलकंद भी मैं इसी के अंदर डाल के पीस देती हूँ। ये देखिए, ये पीस के हमारा तैयार हो गया, ऐसा स्मूथ बना, कलर भी कितना प्यारा आया है। देखिए दोस्तों, मैंने भगोनी गरम गैस पर रख दी है। अब इसमें मैं एक कटोरी पूरा पानी डाल रही हूँ। मेजरमेंट से आप जो भी कटोरी का नाप लो, तो 2 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी आपको पानी लेना है। अब मैंने ये चीनी पानी दिया, ये 2 कटोरी इसमें पूरी चीनी है, और वैसे वजन से ये 250 ग्राम चीनी है। ये चीनी पूरी पिघल जाएगी, उसके बाद मैं ये जो पीसा हुआ पान का पेस्ट है ये डालूंगी। इसमें पीसने में मेरे आधी कटोरी से कम पानी लगा, और जो थोड़ा सा सौंफ में 2 टेबल स्पून पानी डाल के भिगोया वो पानी भी इसी के अंदर है। टोटल पानी आपका इसमें 1.5 कटोरी मान के चलिए। 1.5 कटोरी ऐसे हुआ कि जो हमने इसमें पीसा उसमें पानी लगा, 1 कटोरी मैंने चीनी की चाशनी के लिए डाला, ये दोनों मिला के 1.5 कटोरी पानी होगी। ये हमारी चीनी पूरी पिघल गई है, देखिए पूरी लिक्विड हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये जो पीसा हुआ पान है, सौंफ, इलायची, पान और गुलकंद, सबको मिला के मैंने 3-4 आइस क्यूब डाल के पीसी हूँ, क्योंकि इसका ग्रीन कलर खराब ना हो, काला ना पड़े, इसीलिए मिक्सी में गर्म होने से थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तो आइस क्यूब डालने से क्या है, ग्रीन कलर अच्छा रहता है। ये देखिए, ये हमारा अब खोलने लग गया है। 2-3 मिनट इसको खोलाऊंगी, फिर इसमें मैं 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालूंगी, वो इसलिए कि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। ये देखिए, हमारा ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से देखिए, हम देख रहे हैं ये जहाँ ये बूंद बूंद टपक रहा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, अपना हल्की सी देखिए शायद के जैसे चिपचिपाहट हो गई, ये तैयार। अब मैं इसमें नींबू का रस 1 टेबल स्पून डालूंगी, और ये ऑप्शनल है, ग्रीन कलर आपको पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो ओरिजिनल जो पान का कलर है आप वही रहने दीजिए, उसी से आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमें रात भर रखना है इसी तरह, दूसरे दिन मलमल के कपड़े से छान के कांच की बोतल में भर के आप रख सकते हो, महीनों बाहर रहेगा तब भी ख़राब नहीं होता। ये मैं 1 टीस्पून नींबू का रस इसमें दे रही हूँ कि हमारी इसकी चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। गैस बंद कर दिए मैंने, इसके बाद मैंने दिया। ये दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा छान के बताती हूँ शरबत बना के। ये मैं कल सुबह इसको छान के कांच की साफ बोतल में भर के रख दूँगी। बोतल एकदम साफ होनी चाहिए, कपड़े से पोंछ के सूखी भी बोतल होनी चाहिए, जिससे हमारा शरबत ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों, ये पान का शरबत, इसको मैंने चन्नी से छान लिया। एक आपको मैं छान के बता रही हूँ, एक बिगर छानने वाला भी बताती हूँ। और इसको हम लोग शरबत को सिझा के बना के 10 घंटे तक इसी के अंदर रखेंगे बिना छाने, तो इसका और भी पान का अच्छे से एसेंस अंदर शरबत में आएगा। दूसरे दिन हमें इसको छान के अच्छी बोतल में भरना है। अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें ये आइस क्यूब डाल देती हूँ। ये देखिए, हमारे ये पान का शरबत बन के तैयार हो गया। आपको ग्रीन कलर देना हो तो 1-2
वो नहीं दीजिएगा, वो ऑप्शनल है, नहीं तो ओरिजिनल पान का कलर ये होगा। अब इसको देखिए मैंने छन्नी से छान के बनाया, अब ये बिगर छानी आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या, ये थोड़े से दाने से आएंगे, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं कल इसको तैयार करूँगी, मलमल के कपड़े से छान के रखूँगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा पान का शरबत बन के तैयार हो गया। गर्मियों में हमें बहुत ही फ़ायदा करता है। आपके पास यदि पीपरमिंट हो तो बिल्कुल ज़रा सा शरबत में डाल सकते हैं, उससे उसकी ठंडक बहुत अच्छी लगती है पीने में।